आप देख रहे जनमत आवाज। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम पाटुंडा में अज्ञात लोगों द्वारा देर रात महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के झंडे बैनर जला दिए गए, जिसका विरोध ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर आंदोलन किया और कार्रवाई की मांग की गई। ये मामला बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र का है। ये ग्राम पाटुंडा में देर रात अज्ञात लोगों द्वारा महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के झंडे बैनर तथा शिव मंदिर के बाहर लगा एक पंडाल जलावा मिला और ग्रामीणों ने लगाए आरोप। इस शंका के आधार पर कार्रवाई की मांग को लेकर लालबाग थाने ग्रामीणों ने किया घेराव और ग्राम पाटुंडा में शिवरात्रि के दिन देर रात अज्ञात लोगों द्वारा मंदिर के सामने डाला गया पंडाल सुबह जला हुआ मिला और चौराहे पर लगे महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज के झंडे बैनर भी जले हुए मिले, जिसका आक्रोश होकर ग्रामीणों ने लालबाग थाने का घेराव कर लिया और सभी ग्रामीणों ने शिकायत की मांग को लेकर किया और आंदोलन कार्रवाई ना होने की दशा में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। शुरुआत के दिन में रात में 11:30 तक हम यहाँ जग रहे थे, हमने पूजा पाठ करी, उसके बाद में रात में हुआ ये सब जो भी हुआ ये क्या हुआ ये इन्होंने सब झंडे वंडे सब निकाल दिए, काज ले जाके जलाए और ये पूरे पंडाल जला दिए, वो बैनर वैनर फाड़ दिए शिवाजी महाराज का चौराहे वाला। तो क्या किन लोगों ने फाड़ा, कुछ जानकारी? किसने फाड़ा ये आप जानकारी ना हमको, ये किसने फाड़ा, क्या फाड़ा? तो किस एरिया में आता है ये? यहाँ पे चौराहे पे आता है ना ये शिव मंदिर। गाँव का नाम क्या है? ग्राम पाटुंडा। किस पे शक? ऐसा कुछ शक नहीं बता सकते सर हम, किसने किया क्या किया है। और वहीं हमने जब इस संबंध में CSP ब्रिजेश श्रीवास्तव से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि लालबाग थाना क्षेत्र में देर रात कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसके चलते ही अज्ञात लोगों के खिलाफ हमने मामला दर्ज किया गया है। आइए देखते हैं। थाना लालबाग के लोगों ने अपनी जानकारी में बताया है कि गाँव के चौक पर महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज की मूर्ति के पोस्टर लगे हुए थे। उस पोस्टर पे आज रात को किसी बदमाश द्वारा पोस्टर को जलाने का प्रयास किया गया है और एक टेंट में भी आग लगाने का प्रयास किया गया है। इस पर लोगों ने अपना विरोध प्रकट करते हुए थाना लालबाग पर प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है। सर कितने लोगों पर प्रकरण पंजीबद्ध? नहीं, अभी तो अज्ञात लोगों पे कायमी करी गई है। अज्ञात लोगों पे अब ये जाँच का विषय, जाँच में जो भी लोग होंगे जिन्होंने गलती करी है उनके खिलाफ।